नमस्ते बच्चों, वेलकम टू स्पंदन अकेडमी क्लास, सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा 5। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में भाषा को पढ़ाऊंगी कि भाषा क्या होती है। भाषा विचारों और भावों को प्रकट करने वाली मुंह से निकली ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। जो भी विचार हम प्रकट करते हैं या बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये भाव और विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ये विचार कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर या लिखकर हम प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा क्या होती है? जो भी हमारे जो विचार रहते हैं, थॉट रहते हैं, उनको हम प्रकट करते हैं, या तो बोलकर प्रकट कर सकते हैं या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। भाषा क्या होती है? जो भी हम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के भेद, भाषा कितने भेद होते हैं? तो भाषा के दो भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। हमारा पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट किए जाने वाले भाषा के रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम बोलकर प्रकट करते हैं हमारे विचारों को, उनको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा लिखित भाषा, लिखकर प्रकट किए जाने वाले भाषा के रूप को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में क्या होता है? हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बोलते जो भी लिखकर रहते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं? विचार उनको प्रकट करते हैं, लिखकर अपने भाव को बताते हैं। तो भाषा क्या होती है? जो भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा कितने भेद होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा में लिखकर हम अपनी भाषा को बताते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं। थैंक यू।